Do you remember your dreams? सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई नो गाइस, उससे पहले आप सब कमेंट में जाके कमेंट करो। मैं उससे पहले आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत दिन बाद एंड बहुत ही ज्यादा लेट आ रहा है। लगभग 15 दिन हो चुका है मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया। सो इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। सो प्लीज मुझे माफ कर देना एंड आगे से चैनल पे रेगुलरली कॉन्टेंट आएगा और काफी औसम कॉन्टेंट आने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। एंड इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा MIUI डिवाइस के लिए कुछ परफेक्ट हिडन टिप्स एंड ट्रिक जो मुझे लगता है शायद ही आप जानते होंगे। एंड ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप अपने डेली लाइफ में ऐड करोगे तो आपके MIUI डिवाइस के जो यूजर एक्सपीरियंस है एंड देन जो परफॉर्मेंस है उसे काफी ज्यादा इंप्रूव मिलने वाला है। सो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। गाइस, आप सबसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो किसी भी जगह से थोड़ी सी भी हेल्पफुल एंड थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारे लिस्ट के जो फर्स्ट सीक्रेट ट्रिक है वो की है इनेबल इंटरनेट स्पीड बूस्टर। मैंने गाइस ऐसे ऐसे लोकेशन देखा है जहाँ पे जाने के बाद आपके इंटरनेट की स्पीड पूरे डाउन हो जाता है, या तो अगर आप एक रूम से दूसरे रूम पे जाओगे तो एक रूम पे अच्छे इंटरनेट कनेक्शन मिलता है और दूसरे रूम पे नेटवर्क आता ही नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। आपको सिंपली जाना होगा फोन पे एंड देन डायल करना होगा *#*#4636*#*#*, एंड देन आपको यहाँ पर फोन इन्फॉर्मेशन 1 पे आपको टैप करना होगा एंड उसके बाद सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ पर से LTE ओनली को सिलेक्ट करना होगा। एंड नेक्स्ट आपको सेम प्रोसेस के साथ बैक आना होगा एंड फोन इन्फॉर्मेशन 2 पे क्लिक करके सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे आपको यहाँ पर टैप करना होगा एंड देन इसे भी LTE ओनली पे सेट कर देना होगा। इसे सेट करने से आपके जो मोबाइल डेटा के कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सो आप इस ट्रिक को एक बार जरूर से ट्राई करना एंड कमेंट में आके मुझे फीडबैक जरूर से देना। एंड गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है रिमूव ऑल एड्स फ्रॉम MIUI। मैं आपको MIUI के एड्स को रिमूव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आपको ऐसे दो सेटिंग्स बताऊंगा जिसे यूज करके लगभग आप सारे MIUI एड्स को रिमूव कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको जाना होगा सेटिंग्स पर एंड देन यहाँ पर सर्च बार पे टाइप करना होगा एड्स। सर्च करने से आपको जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिंपली आपको इस पे टैप करना होगा एंड देन यहाँ पर जो पर्सनलाइज्ड एड रिकमेंडेशन है सिंपली आपको इसे ऑफ कर देना होगा। एंड नेक्स्ट आपको सेटिंग्स पेज पे बैक आना होगा एंड देन जाना होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना होगा एंड देन जाना होगा ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन पर। यहाँ पर से आपको सिंपली दो सर्विस को ऑफ कर देना होगा, एक है MSA और दूसरा है MIUI डिमोन। इन दोनों सर्विसेज को ऑफ करने के बाद आपको और एक छोटा सा काम करना होगा। आपको सिंपली जाना होगा डाउनलोड्स पर एंड देन यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा एंड देन जाना होगा सेटिंग्स पर एंड देन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शो रिकमेंडेड कंटेंट। तो आपको इसे ऑफ कर देना होगा। उसके बाद आपके डिवाइस को एक बार रिबूट कर लेना होगा एंड देन आप जब रिबूट करने के बाद फोन को यूज करोगे तो आप देख पाओगे कि लगभग ना के बराबर एड्स आ रहे हैं। एंड गाइस, हमारे लिस्ट के जो अगले हिडन फीचर है वो की है इनेबल फोर्स GPU रेंडरिंग। गाइस, अगर आपके डिवाइस बहुत ही ज्यादा पुराना है या आपके फोन लैग करता है, ये स्मूथ नहीं चलता, तो आप फोर्स GPU रेंडरिंग को इनेबल कर सकते हो। सो उसके लिए आपको सिंपली जाना होगा सेटिंग्स पेज पर। उसके बाद आपको जाना होगा अबाउट डिवाइस एंड देन MIUI वर्षन पे अप टू 5 to 7 times प्रेस करना होगा। देन आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आपको सिंपली उसके बाद बैक आना होगा एंड देन जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स। उसके बाद जाना होगा डेवलपर ऑप्शन पर एंड देन आप यहाँ पर जब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर फोर्स GPU रेंडरिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। So, आपको इसे ऑन कर देना होगा। इसे ऑन करने से आपके जो GPU एंड CPU है वो एक साथ रन करेगा एंड देन आपके डिवाइस के परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा बूस्ट अप मिलेगा। एंड गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो हमारे लिस्ट के जो नेक्स्ट ट्रिक है टर्न ऑन स्क्रीन मैग्निफिकेशन। सो इसे ऑन करने से आप किसी भी पेज पे आप जब ट्रिपल ट्रैप करोगे तो आप उस पेज को जूम कर सकते हो। इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपली जाना होगा सेटिंग्स पर एंड देन आपको यहाँ पर सर्च बार पे सर्च करना होगा मैग्निफिकेशन। सर्च करने से आपको फर्स्ट नंबर पर ही मैग्निफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसको सिंपली आपको ओपन करना होगा एंड देन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैग्निफाई विद ट्रिपल टैप। तो इसको सिंपली आपको ऑन कर देना होगा, दैट्स इट, आपका काम हो चुका है। लाइक अभी आप किसी भी पेज पे जब आप ट्रिपल टैप करोगे तो आप उस पेज को पूरे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। लाइक स्क्रीन मैग्निफिकेशन के और एक छोटा सा यूजेज मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी तो इंस्टाग्राम जरूर से यूज करते होंगे और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल रहता है जो लॉक रहता है। सो अगर आप उस प्रोफाइल के प्रोफाइल पिक को देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सिंपली ट्रिपल टैप करना होगा एंड देन आप यहाँ पर से पूरे जूम करके प्रोफाइल पिक को देख सकते हो आराम से। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो हमारे लिस्ट के जो नेक्स्ट ट्रिक है वो की है इनेबल बैक टैप फीचर ऑन एनी MIUI। जैसे आप सब यहाँ पर मेरे डिवाइस पे देख सकते हो, मैं जब यहाँ पर फोन के बैक साइड पे डबल टैप करूंगा तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट को
कैप्चर कर सकते हो, फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, एनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हो एंड और भी बहुत सारे काम को आप बैक टैप के जरिए कर सकते हो। सो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्विस एप्लीकेशन का नाम है टैप टैप। स्विस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ओपन करना होगा एंड देन गेट स्टार्टेड पे आपको टैप करना होगा एंड देन आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि डबल टैप करने के लिए बैक साइड पे। सो आपको यहाँ पर बैक साइड पे डबल टैप करना होगा एंड नेक्स्ट करके सिंपली यहाँ पर से एक्सेसिबिलिटी सर्विस को आपको इनेबल कर देना होगा एंड फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा एंड देन यहाँ पर डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को भी एक बार ऑन कर लेना होगा एंड देन यहाँ पर से आपको फिनिश कर देना होगा। दैट्स इट, आपका काम हो चुका है। अभी आपको सिंपली जाना होगा डबल टैप एक्शन पर एंड देन यहाँ पर से ऐड एक्शन पे जाके आप कोई भी एक्शन को ऐड करवा सकते हो। एंड लास्ट में मैं आप सबको एक बोनस ट्रिक बताता हूँ। सो इस ट्रिक का नाम है डबल टैप रिसेंट टू टॉगल। सो अगर आप अपने MIUI डिवाइस में नेविगेशन बार को यूज करते हो तो आप यहाँ पर जो रिसेंट बटन है इस पे डबल टैप करके आप अपने रिसेंट के दो एप्लीकेशन पे स्विच कर सकते हो। सो ये भी काफी यूजफुल और कमाल का एक छोटा सा ट्रिक है। बस गाइस इस वीडियो पे इतना ही था। आई होप कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स के वीडियो पसंद आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।